हेलो फ्रेंड, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस सॉल्यूशन। आज हम लोग निकालेंगे बेथ बेथ ऑफ फ्लूइड एट द बेस ऑफ द कंटेनर। हम लोग बेथ और निकालेंगे किसी फ्लूइड का जो कंटेनर में रखा हुआ है और उसके बेस में जो बेथ लगा है उसको निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम हम मान लेंगे बी एफ। बी एफ मतलब वी बराबर वॉल्यूम और एफ बराबर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी रो एफ। रो जो है इसे डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं रो। और एफ जो हो गया रो डेंसिटी हो गया, रो ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कोई इस तरह रो होता है ना, इस ई के थोड़ा इस तरह ऐसे होता है, उसको पढ़ते हैं हम रो। और मास हो गया एम एफ। कोई तो मास होगा, लिक्विड का मास होता है ना, उसी मास हो गया। और कोई वस्तु रखा हुआ है तो उस पर दियो तो ग्रेविटी के कारण कोई तो फोर्स लग रहा होगा, उसको जी निकालना है बेथ। बेथ ऑफ फ्लूइड निकालना है। तो बेथ बराबर मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी। मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इंटू जी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मास ऑफ फ्लूइड और इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास ऑफ फ्लूइड का फार्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बी एफ, पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे डब्ल्यू एफ। बी एफ इंटू डेंसिटी रो एफ इंटू जी। इसको इस तरह लिख सकते हैं डब्ल्यू एफ इजकल टू वी ई वॉल्यूम रो एफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स।